आखिर क्यों साउथ इंडियंस अपनी ही बहन से शादी कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे का कारण, जानेंगे वीडियो में। और ऐसी क्या वजह थी कि जापान ने वॉर में अपने ही सिपाहियों को मरवा दिया, और चैन खींचने पर ट्रेन इतनी जल्दी रुक कैसे जाती है, और क्या सच में अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो चीन 10 दिनों में भारत को हरा देगा, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, क्या आपको पता है कि दक्षिण भारत में कजिन मैरिज काफी ज्यादा प्रचलित है और यहाँ पर कई लोग अपने कजिन सिस्टर से शादी कर लेते हैं। वैसे तो ये प्रथा मुस्लिम लोग और भी कई कम्युनिटी में है, और दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसा ही होता हो रहा है। यहाँ पर भी कजिन मैरिज बहुत ही ज्यादा किया जा रहा है। इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला कारण की बात करें तो यहाँ माना जाता है कि आपस में शादी करने से पारिवारिक रिश्ते और भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, और आपस में शादी करने की वजह से लड़की को अपने ससुराल से कम्फर्टेबल होने में ज्यादा समय नहीं लगता। दूसरी वजह होती है पैसा। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत में कई ऐसी सोसाइटीज है जहाँ पर की घर की हेड महिलाएं होती है और प्रॉपर्टी में महिलाओं का हिस्सा होता है, इसीलिए वो लोग आपस में ही कर लेते हैं ताकि प्रॉपर्टी किसी दूसरे के हाथ ना जाए। तीसरी वजह की बात करें तो वो है दहेज। कई रिसर्च ये दावा करती है कि आपस में शादी करने पर दहेज कम देना पड़ता है, इसलिए कई लोग अपनी बेटियों की शादी उसके कजिन से ही करा देते हैं। वैसे आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट्स में बताएं। नंबर 2, जब भी कोई युद्ध होता है तो सभी देश युद्ध जीतने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान ने एक ऐसा कारनामा किया कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। असल में जापान खुद अपने ही सैनिकों को मरवा दे रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना, इस गंभीर स्थिति में जापान अपने सैनिकों को ही मरवा देता था, लेकिन इसके पीछे का रीजन बहुत ही अजीब था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान अमेरिका से बुरी तरीके से हार रहा था, और इसी बीच जापान ने अपना अजीब दिमाग लगाया। उसने पुराने हेलीकॉप्टरों में बारूद भरकर अपने पायलटों को बैठा दिया, और फिर जापान इन्हीं हेलीकॉप्टरों को अमेरिका की शिप्स से टकरा देता था, क्योंकि उस समय ज्यादा मिसाइल डेवलप नहीं थी, और इससे अमेरिका की कुल 30 शिपें नष्ट हो गई। इधर जापान के 4000 सैनिक अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर शिप में टकराने के कारण उसमें बैठे पायलट भी उस हादसे का शिकार हो जाते थे। नंबर 3, एक ट्रेन का वजन लगभग हजारों किलोग्राम तक होता है, और ये काफी स्पीड में भी चलती है। अगर ड्राइवर को ब्रेक लगाने होते हैं तो वो 60 से 100 मीटर की दूरी से पहले ही ब्रेक लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि इतनी भारी ट्रेन अचानक से ब्रेक लगने पर नहीं रुक पाएगी और ट्रेन पलट जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स ट्रेन की चेन खींच देता है तो ट्रेन तुरंत रुक जाती है, पर आखिर जब ट्रेन को रोकना ड्राइवर के हाथ में नहीं होता तो ट्रेन इतनी जल्दी रुक कैसे जाती है। दरअसल जब ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी होती है तो उसके सारे ब्रेक लगे होते हैं, और जब ट्रेन को चलाना होता है तो उसके ब्रेक हटाने पड़ते हैं। ब्रेक हटाने के लिए बहुत सारे प्रेशर अप्लाई करने पड़ते हैं, जिसके बाद उन प्रेशर के जरिए ब्रेक हट जाते हैं। लेकिन जब कोई शख्स ट्रेन की चेन खींचता है तो उसकी प्रेशर लाइन टूट जाती है, और प्रेशर लाइन टूटते ही सारे पहियों में एक साथ ब्रेक लग जाते हैं, और यही कारण होता है कि चेन खींचने से ट्रेन तुरंत रुक जाती है। समुद्रों में बहुत सारी दुर्लभ मछलियां पाई जाती है, और ये मछलियां देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जो बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलती है, और एक ऐसी ही जगह है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच इंग्लिश चैनल। यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत मछलियाँ पाई जाती है। यहाँ पर मछलियों के अलावा और भी खूबसूरत समुद्री जीव पाए जाते हैं, लेकिन उधर के मछुआरे लालच के चक्कर में यहाँ के इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे थे और खूबसूरत मछलियों को पकड़कर उन्हें मार्केट में सेल कर देते थे। लेकिन इसी को देखते हुए वहाँ की सरकार ने गजब का दिमाग लगाया, और उसके बाद कोई भी वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए नहीं जाता था। दरअसल वहाँ की सरकार ने उसी जगह पर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर डलवा दिए। पहली बार देखने पर लोग पत्थर डालने वाले को पागल बोल रहे थे, लेकिन बाद में मालूम चला कि जब भी कोई मछुआरा इसमें जाल फेंकेगा तो उसका जाल इन पत्थरों में फंस जाएगा। नंबर 4, जब भी कोई मूवी हिट हो जाती है और कमाई के मामले में बढ़िया कलेक्शन करती है तो उस मूवी को अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो मूवी कौन सी है जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड जीते? आपको जानकर खुशी होगी कि वो मूवी भारत की ही है, और इसने दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं। इतने अवार्ड जीतने के कारण इस फिल्म का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। दरअसल सन 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है, इस फिल्म ने रिलीज होते ही लोगों के बीच तहलका मचा दिया था, और इस फिल्म ने टोटल 92 अवार्ड जीते थे, और ये एक रिकॉर्ड है। आज तक किसी मूवी ने इतने अवार्ड नहीं जीते हैं। हालांकि पूरी मूवी का बजट केवल 10 करोड़ था, लेकिन इस समय इस मूवी ने 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी, जो उस समय बहुत ही ज्यादा थे। नंबर 6, हमारे भारत ने लगातार कई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, और भारत के पास बहुत सारी खतरनाक मिसाइलें और हथियार मौजूद हैं। लेकिन अगर चीन और भारत का युद्ध हुआ तो चीन भारत को केवल 10 दिनों के अंदर ही हरा देगी और तुरंत ही अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर अपना कब्जा कर लेगी। ये बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बात किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि प्रवीण शौनी ने कही है, जो 13 साल आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और ये एक टॉप डिफेंस एक्सपर्ट भी है। साथ ही में ये सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखकों में से एक है। इनकी पुस्तकें रिलीज होते ही काफी ज्यादा बिकने लगती है, और अभी कुछ समय पहले इनकी एक पुस्तक रिलीज हुई
हुई जिसका नाम द लास्ट वॉर था और इसमें उन्होंने बताया कि अगर आने वाले समय में चीन और भारत का युद्ध हुआ तो चीन भारत को हराने में केवल 10 दिनों का ही समय लेगा। जिसमें उन्होंने बहुत सारे कारणों का जिक्र किया है और उन्हीं में से एक ये है कि चीन के पास AI रोबोट्स है और ये रोबोट इतने खतरनाक है कि इनके सामने इंसान बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। नंबर 7, दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबतों में से एक है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाती है और हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक को बनाया जाता है, जिसमें से कुछ ही प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है, बाकी प्लास्टिक को समुद्रों में या फिर किसी स्थान पर ऐसे ही फेंक दिया जाता है और प्लास्टिक को गलने में लगभग 500 साल से भी ज्यादा का समय लगता है। इसी कारण वैज्ञानिक हमेशा से प्लास्टिक को गलाने का उपाय सोच रहे हैं। लेकिन साल 2017 में यूरोप के वैज्ञानिकों को वैक्सवॉर्म नाम का एक ऐसा कीड़ा मिला जिसके बारे में जानकर वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये कीड़ा प्लास्टिक को ही खा लेता है और तो और ये प्लास्टिक को खाकर पचा भी देता है, क्योंकि इसके शरीर में एक ऐसी प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है जिससे ये प्लास्टिक को बिल्कुल तोड़ देता है और कुछ ही समय में उसको पचा देता है और इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता। वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे चलकर यही कीड़ा प्लास्टिक को गलाने में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। नंबर 8, जब भी कोई शख्स ऑटो पायलट बाइक या कार बनाता है तो वो कोई बड़ा इंजीनियर या कोई बड़ा साइंटिस्ट होता है, तभी इतने बड़े काम को कर पाता है। लेकिन हमारे इंडिया में बरेली के रहने वाले 80 साल के एक शख्स ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे देखकर बड़े बड़े साइंटिस्टों का दिमाग हिल गया है, क्योंकि एक 80 साल के व्यक्ति ने ऑटो पायलट बाइक ही बना दी और ये बाइक अपने मालिकों के एक इशारे पर सारे काम करती है। दरअसल बरेली के रहने वाले मोहम्मद सईद अहमद ने इस बाइक को बनाया है। ये बाइक पूरी तरीके से ऑटो पायलट है और इस बाइक से एक बार कहने पर ये स्टार्ट हो जाती है और बिना किसी गियर की मदद से चलने लगती है और इसमें स्टैंड को लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक आवाज पर ये अपने आप ही स्टैंड लगा लेती है। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इसमें ATM भी है जिससे पैसे निकलते हैं और साथ ही में अगर किसी को गाना सुनना हो तो ये एक आवाज लगाने पर गाने को भी गाना शुरू कर देती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।